उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुए घटना के बाद एक कति जिहां पूरा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और केंद्र सरकार ल घेरा थे तो उन्हें बीजेपी घलो कवर्धा में हुए घटना ल लेके लगातार उग्र आंदोलन करे में आमादा है। भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मन मनेन्द्रगढ़ के गांधी चौक में जम के नाराबाजी करत दिखी। ये दौरान पार्टी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच काफी देर तक खींचतान घलो हुई। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उत्तर प्रदेश में जाए ले छत्तीसगढ़ के राजनीति में गर्माहट दिखे लगी। भाजपा नेता मन के कहना है कि कवर्धा के घटना ले कति प्रदेश में अशांति के वातावरण है तो उन्हें दूसर कति प्रदेश के मुखिया उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सियासत में रमे दिखाई पड़त है। एखर ले साफ है कि प्रदेश के सरकार ल छत्तीसगढ़ के शांति व्यवस्था ले कोनो लेना देना नहीं है। ये कारण अब बीजेपी कार्यकर्ता मनेन्द्रगढ़ में जम के विरोध प्रदर्शन करी। प्रदर्शन ला देखत पुलिस के आला अधिकारी पुलिस बल के संग गांधी चौक में जमे रही। सरकार है आज भी तुष्टिकरण की नीति अपनाए हुए है और वहाँ पर एक खास वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ एक हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं लखनऊ में पालथी मार के बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जाकर अगर उनको उत्तर प्रदेश इतना प्यारा है, लखनऊ इतना प्यारा है, तो जाकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति करें और गांधी परिवार के तलवे चाटे। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती छत्तीसगढ़ का कोई विकास। सरकार की जो मंशा रही वो कहीं कहीं उनको शक के दायरे में खड़ा करती है, क्योंकि एक पक्षी जो उन्होंने कार्यक्रम वहाँ पे लोगों को पिटवाया है और एक धर्म के नाम पे जो वहाँ पे घटना घटी है कि हम काफी इसकी निंदा करते हैं और इसी के विरोध जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं भूपेश बघेल वो हमारे राज्य से लापता है और वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मग्न है, इसी में ये सब हमने आज मतलब। अभी बेरा है छोटकुन ब्रेक लेके। आप मन देखा रहा आप मन के अपन चैनल न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।